Okay, good. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बच्चों? अच्छा, आज हम एक्सीलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे और आप लोगों को पता चल गया कि आपका जो मिड टर्म होगा वो कहाँ से होगा। वेल, ओके, गुड, ठीक है। और डेफिनेटली पीपीटी से नहीं आएगा, और ये सोचिएगा भी नहीं कि पीपीटी से आएगा। और जो क्वेश्चंस होंगे, जो एमसीक्यूज होंगे, वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके, अब शो हो रहा है, लेक्चर शो हो रहा है। ओके, वेल, ठीक है। तो आपने जेन से ये निकाल देना है कि पीपीटी में से आएगा, और या आप और जो क्वेश्चन आएंगे, जो एमसीक्यूज आएंगे, वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, ठीक है। और बाकी मैंने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया था रिगार्डिंग एमसीक्यूज। कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी हियर एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आपको फिजिबल लगे। ओके, वेल, ठीक है। और जो आपके टॉपिक इंक्लूडेड हैं उसमें भी मेरा ख्याल है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, वेल, पीपीटी शो हो जाएंगी, हो रही है। वेल, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जो आपको टॉपिक मिले हैं उनमें से भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूडेड उसमें नहीं है। सारी चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने रिपीट की हुई हैं। अगर उसमें से भी कोई टॉपिक आप रिपीट करना चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा नहीं होंगे। अच्छा, तो उसमें भी अगर आप कोई भी टॉपिक रिपीट करना चाहते हैं, लाइक आपका ब्लड हो गया, CVS हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, GIT हो गया, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो We will make a review class on Thursday as well as Friday, ठीक है। तो हम उसका एक एक रिव्यू ले लिया करेंगे। 1 hour की क्लास में हम रिवाइज कर लिया करेंगे एक चैप्टर, और बाकी हम एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रीनल सिस्टम भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी मिड टर्म ख़त्म होएगी, उसके बाद आपका जो पहला टेस्ट होएगा वो आपके मस्कोस्केलेटल सिस्टम का होएगा। आफ्टर दैट रीनल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो आपका मस्कोस्केलेटल सिस्टम है, उसके आपके एटलीस्ट 2 to 3 क्विजेस होंगे। ओके बेटा, GIT में आपको जो मुश्किल चीज़ें लग रही हैं वो काइंडली मेरे से शेयर कर लीजिएगा, और मैं उनको आप लोगों के साथ रिपीट करवा दिया करूँगा, रिवाइज करवा लिया करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा क्विज आप लोगों का। और बाकी जो वाइवा होगा वो 50 marks का है, और जो 10 marks हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों की अटेंडेंस एज वेल एज क्लास कंट्रीब्यूशन, और बाकी जो हमने पिछले क्वीज लिए हैं उनमें से आपकी जो ग्रेडिंग है, अगर उनमें ग्रेडिंग अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर ग्रेडिंग कम होएगी तो अल्टीमेटली यू विल लॉस योर 10 marks, ठीक है।
ओके एक्सक्रीशन आप गैस्ट्रिक यूसेज कर लेंगे, ओके बेटा वेल हो गया, इंटरनल असेसमेंट। हाँ बेटा डेफिनेटली 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, ठीक है। ओके इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो लेट मी नो। बाकी जो आपका क्वीज है वो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि वो सिनेरियो बेस्ड है, ये ना कहिएगा कि हमने पढ़ा नहीं था, सिनेरियो बेस कैसे आ गया, तो काइंडली आप उसको अटेम्प्ट करना है। और 45 MCQs होंगे और यू हैव ओनली 1 आवर टू अटेम्प्ट द क्विज, ठीक है, और 1 आवर के अंदर आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करना है। ओके तो लास्ट नाम रीनल सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ओके GIT का स्टार्ट से बेटा कर लेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर्स में मैं आपको GIT कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट और कोई क्वेरी है तो वो काइंडली लेट मी नो। ओके तो लास्ट क्लास में हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हार्मोनल कंट्रोल था, और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर हमने 4 हार्मोन्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन वाज पैराथायराइड हार्मोन, सेकंड हमने कहा था कि ANP होता है, थर्ड हमने कहा था कि ADH होता है, और फोर्थ वन वाज ADH और सॉरी अल्डोस्टेरोन। ये 4 हार्मोन थे। आप लोगों को किसी को पता है कि इनके फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे ये काम करते हैं? थोड़ा सा एक शॉर्ट सा रिव्यू आप करवा देंगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमने ANP के बारे में ये भी डिस्कस किया था कि ये एल्डोस्टोन का एंटागोनिस्ट है। एल्डोस्टोन का एंटागोनिस्ट ये कैसे है ये आप बताएंगे मुझे, जल्दी से मुझे बताएं, उसके बाद हम इसको कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। आज हमने कंपोजिशन पढ़नी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, pH के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा कितना टाइम एक्सटेंड करें बताएं बेटा, 1 आवर आपका कॉलेज दे रहा है तो मैं कितना एक्सटेंड करूं बताएं बेटा, 1 आवर के अंदर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है उसको। आपने ये बताना है कि ये जो ANP है ये एल्डोस्टेरोन को एंटागोनिस्ट कैसे है, एंटागोनाइज कैसे करता है, एंटागोनिस्ट का पता है होता क्या है। ओके टाइमिंग आपकी 10 से 12 है और मंडे 27 जुलाई, ठीक है। ओके 2 आवर है एग्जैक्टली, मैंने भी अभी कंफर्म किया है कि 2 आवर है, डेफिनेटली यस 2 आवर है। ओके कितना टाइम चाहिए, 1 आवर 15 मिनट्स कर दूंगा बेटा, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट हो जाएंगे। तो 45 MCQs के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 75 मिनट्स। ओके वेल ठीक है, ANP आप ये भी कह सकती हैं कि जो ANP होता है ना, ओके वेल अपोजिट होता है डेफिनेटली यस। ANP आप ये भी करवा सक कह सकती हैं कि जो सोडियम और वाटर होती है इसकी इलिमिनेशन करवाता है, और जो एल्डोस्टोन होता है ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर आप ये भी कह देंगी तो मेरा ख्याल है कि ये भी ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपकी ये स्टेटमेंट भी अच्छी है कि ANP जो है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर को डिक्रीज करवाता है, डेफिनेटली ठीक है सॉरी। और जो एल्डोस्टेरोन होता है ये अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, आप ये भी कह सकती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट कैल्सीटोनिन डिपॉजिट्स, अच्छा कैल्शियम इन द बोन वाइल पैराथायराइड, अच्छा ओके ठीक है, ये फास्फेट और कैल्शियम का लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, डेफिनेटली ठीक है। और ANP काज सोडियम एंड वाटर लॉस, ठीक है बेटा ये भी ठीक है कि सोडियम और वाटर को इलिमिनेट करवाता है। अच्छा क्वेश्चन इज दैट कि इलिमिनेट कहाँ से करवाता है, अब ये ना कह दीजिएगा कि किडनी से करवाता है, अगर किडनी से करवाता है तो कौन से पार्ट से करवाता है ये पूछा जा रहा है कि किडनी के कौन से पार्ट से सोडियम और वाटर इलिमिनेट हो रही होती है, या कौन से पार्ट से सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ओके और विद सिनेरियो आएंगे कि सपोज अगर किसी पेशेंट्स का कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसकी जो सोडियम और वाटर कहाँ से रही अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इलिमिनेशन कहाँ से हो रही है,
ये अब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, ये हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन कहाँ से हो रही है। ये एक मैं आपको स्नेरियो की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये रीनल सिस्टम आपका नहीं है, एक्सक्रीशन सिस्टम, तो इसलिए इसमें से एमसीक्यूज नहीं होंगे। ओके ठीक है, तो ये करवाता कहाँ से है, इलिमिनेशन कहाँ से करवा रहा होता है, या रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज कहाँ से करवाता है, पीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से। ये दो चीज़ें याद रखिए कि पीसीटी अप्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्स होते हैं और सीडी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। ये दो जगहों से क्या करवाता है कि जो एल्डोस्ट एएनपी है ये एक्ट करता है और वहाँ से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देता है, या यू कैन से कि इलिमिनेशन बढ़ा देता है सोडियम और वाटर की पीसीटी और सीडी से। सीडी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स हैं, तो उनसे इन्होंने अपनी इलिमिनेशन को इंक्रीज करवा देना होता है। और एक बात याद रखिएगा कि इंस्टेड ऑफ एडीएच, नो 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 नो, एडीएच भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। यस ठीक है ओके, तो जो एएनपी है एज वेल एज ओके डेफिनेटली अटीरियल बीपी को डिक्रीज करवाता है, वॉल्यूम को कम करवाता है। ओके वेल एग्जैक्टली, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तब ये रिलीज होएगा और ब्लड प्रेशर को लो करवाता है। ओके वेल ठीक है, ज़बरदस्त, आप लोगों को पता है ऑलरेडी पीसीटी और सीडी से ये करवा होता है। डेफिनेटली येस, वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्या बात बता रहा था आप लोगों को, हाँ ये बता रहा था कि मोस्टली एडीएच है, एल्डोस्टोन है या एएनपी है, ये थ्री हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में बेटा ये होता है कि एक सेट पॉइंट होता है, जिस तरह मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि लाइक अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर के एक सेट पॉइंट है। सेम कंडीशन विद द सोडियम पोटाशियम वाटर का लेवल, तो ये एक बॉडी के अंदर इनके एक सेट पॉइंट होता है कि इतने अमाउंट में वाटर होना चाहिए, उसके अंदर इतने अमाउंट में ये कंटेंट होना चाहिए। आपको पता है कि जो मैक्स मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज ओनली 500 ml पर डे। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, उनको एलिमिनेट करवाने के लिए ओनली 500 ml यूरिन इज रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो अमाउंट्स होते हैं लाइक सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये एक सेट अमाउंट होते हैं। लाइक अगर सोडियम की बात करें तो ये 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इस तरह अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये भी एक स्पेसिफिक रेंज में होता है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं या शुगर की बात करते हैं तो वो उसका भी एक अमाउंट होता है। तो ये जो सेट अमाउंट होता है दैट आर मेजर्ड बाई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं या वाटर के कंटेंट की बात करते हैं इन द ब्लड, तो उसमें हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है होता है। एंड ऑस्मोलैरिटी इज ऑलवेज ऑलवेज, या वाट लेवल ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाई ऑस्मो रिसेप्टर एंड इज मेंटेन बाई द एडीएच। अब वाटर का कंटेंट ब्लड के अंदर कितना होना चाहिए, सेल के अंदर कितना होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द सेक्रीशन ऑफ द एडीएच। अगर एडीएच ज्यादा सेक्रेट होएगा तो सोडियम और वाटर वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब होएगा, जितना ज्यादा एडीएच कम सेक्रेट होएगा उतना वाटर इलिमिनेट होएगा। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फूड में क्या लिया है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने वाटर इनटेक कितना लिया है, तीसरी चीज डिपेंड कर रही होती है कि आपके एडीएच का लेवल कितना सेक्रेट हुआ है। ओके तो वी कैन से सिंपली के जो वाटर का लेवल है बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर, दैट इज मॉनिटर्ड बाय, दैट इज मेजर्ड बाय, दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेनली एडीएच। ओके बेटा, पहला जो है वो हमने एएनपी के बारे में बात की है, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेकंड वन इज एल्डोस्टोन एंड थर्ड वन इज एडीएच। एडीएच, एएनपी और एल्डोस्टोन, ये थ्री हार्मोन्स होते हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो जो यूरिन की पीएच होती है ये आई थिंक, बट नॉट आई थिंक, इट्स कंफर्म कि 3.5 से लेके 4.5 से लेके आई थिंक 8 होती है।
ओके लेट आई थिंक 3.5 से 8 है या 4.5 से 8 है. ओके लेट मी कंफर्म, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा कि कितनी होती है. तो ये एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर रहती है. जो यूरिन की पीएच है इसको भी एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर रखना होता है. अगर सपोज आप चीज़ें ऐसी ले रहे होते हैं जो कि एसिडिक के नेचर होती हैं, तो वो पीएच को डिक्रीज करवा रही होती हैं. ओके 4.5 to 8 है. ओके वेल ठीक है, डेफिनेटली इट्स 4.5 to 8. वेरी गुड, थैंक यू बेटा. मुझे लग रहा था कि ये मजीद काम होती है, लेकिन 4.5 to 8 है. ओके थैंक यू. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पीएच होती है, दैट इज मेंटेन्ड बाय ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब जो हम बात कर रहे थे ना ट्यूबुलर सेक्रेशन की, तो उसमें ये होता है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ से हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन हो रही होती है. और ये हाइड्रोजन आयन की सेक्रेशन इसलिए हो रही होती है ताकि जो पीएच ऑफ यूरिन है उसको मेंटेन किया जा सके. अगेन जो पीएच ऑफ यूरिन है ये भी लेवल ऑफ एडीएच के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. अगर सपोज हम ये कह देते हैं कि एडीएच ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, अगर ज़्यादा सेक्रेट होएगा तो ये क्या करेगा कि वाटर के कंटेंट को ज़्यादा अब्जॉर्व कर लेगा. अब जितना ज़्यादा वाटर का कंटेंट अब्जॉर्व होएगा उतने वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे. अगर वो कंटेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एसिडिक इन नेचर हैं तो पीएच को डाउन करेंगे, पीएच कम होना शुरू हो जाएगी. इसी तरह अगर एसिडिक कंटेंट कम है तो पीएच कम होना शुरू हो जाएगी. ओके ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था जो कि हमने हार्मोनल कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था कि हार्मोन्स जो कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है. उसके बाद आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं उनमें मेनली यूरिन की कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा कि वाटर का जो बैलेंस है और जो यूरिन आउटपुट है ये कैसे मेंटेन की जाती है. अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो वाटर बैलेंस होता है ये यूरिन की पीएच होती है, यूरिन की आउटपुट होती है, ये भी अगेन एडीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. अब जितना ज़्यादा एडीएच रिलीज होएगा उतना वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा. अब एडीएच अगर रिलीज नहीं हो रहा, इक्वापोरन ब्लॉक नहीं हो रहा है, ब्लॉक नहीं हो रहा है तो कंडीशन पोलीयूरिया की तरफ जा रही है. इक्वापोरन्स ब्लॉक हो रहे हैं, कंडीशन एनयूरिया की तरफ जा रही है. और ऐसे पेशेंट्स जो कि रीनल फेलियर वाले होते हैं उनमें एनयूरिया हो रहा होता है, वाटर का कंटेंट इलिमिनेट ही नहीं हो रहा होता. इसके अलावा ऐसी कंडीशन जिसमें आपने लाइक हार्ट इन्वायरमेंट के अंदर हैं. ओके ठीक है बेटा, आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा. ठीक है, दूसरी बात आपको बता रहा था कि सपोज आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, वाटर इनसेंसिबल वाटर लॉसेज हो रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में ये स्वेट ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो गए हैं, वहाँ से जो स्वेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा है. इसके अलावा ओके बेटा यही बता रहा हूँ कि यूरिन से क्या रिलेशन है वाटर बैलेंस का. ठीक है, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं जहाँ पे एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या आपने वाटर इनटेक कम किया है, तो उसके रिजल्ट में एडीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है. अब एडीएच का लेवल क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना वाटर इलिमिनेट हो रहा होता है उतना वाटर वाटर जनरेट बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस से हो रहा होता है. वो फूड जो आप लेते हैं उसका भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिजल्ट में वाटर की जनरेशन हो रही होती है. ओके अब ये जो वाटर होता है ये किडनी से इलिमिनेट होना होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है. ये डिफरेंट लाइक अमोनिया के साथ मिल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के साथ मिल रहा है, फॉस्फेट के साथ मिल रहा है. ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन हो जाती है एट जो एंड प्रोडक्ट्स बनता है दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो वाटर है ये बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज़ होना शुरू हो जाता है, यूटिलाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से इलिमिनेट हो जाती है. अब किडनी से भी इलिमिनेट हो रही होती है, इसके अलावा डिजॉल्व सब्सटेंसेस की फॉर्म में भी इलिमिनेट हो रही होती है, लंग से भी इलिमिनेट हो रही होती है. ठीक है, तो इसका इलिमिनेट और हम बात कर रहे थे वाटर की, सॉरी, तो वाटर जितना जनरेट होता है उतना ही इलिमिनेट हो जाता है. सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जो जनरेशन होती है वाटर की वो ज़्यादा हो जाती है लेकिन इलिमिनेशन नहीं होती. जब इलिमिनेशन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट्स को अडीमा होना शुरू हो जाता है, या पेशेंट्स को असाइटीज होना शुरू हो जाती है, पेशेंट्स को प्लूरल इफियन होना शुरू हो जाता है. ये एक काज है. उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जो कि फ्लूड वॉल्यूम की वजह से होता है. ओके दूसरी कंडीशन अदर कंडीशन भी होती हैं लाइक अल्ब्यूमन का लेवल कम हो गया है जिसमें हम एसआईटीज की बात करते हैं या हम एडिमा की बात करते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इसके अलावा अल्ब्यूमन का लेवल कम हो सकता है, थर्ड इज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, तो ये अदर कंडीशन भी को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन मेनली डिपेंड कर रहा होता है एडीएच के ऊपर। ओके बेटा, वाटर रिटेंशन अडीमा कॉज करवाती है। अच्छा ये भी बता देता हूँ। ओके बेटा, एडीएच अगर रिलीज होएगा ना, तो वाट आपने ये कहा है कि सर एडीएच के रिलीज होने से वाटर इंक्रीज इन द ब्लड और यूरिन। बेटा जितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है उतना इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वाटर की प्रोडक्शन और इलिमिनेशन की, तो ये कांस्टेंट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहा होता है, इलिमिनेट भी हो रहा होता है, ना एक्सेस होती है और ना ही इसकी क्वांटिटी कम होती है। अब ये कंट्रोल कर रहा होता है मेनली आपका एडीएच। एडीएच रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये कनेक्टेड होती है विद द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस को ऑस्मोरिसेप्टर बता रहे होते हैं कि भाई इतना वाटर रिक्वायर्ड है। अब ये जो वाटर रिक्वायर्ड होता है ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, ऑस्मोलरिटी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। अगर जितनी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट होंगे, वहाँ पे जो वाटर है उनको डिल्यूट कर रहा होता है। अगर वाटर का कंटेंट कम है, तो उसका मतलब है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो डिल्यूशन है वो नहीं हो रही, तो उसके रिजल्ट में हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। अब जब वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, तो मेनली दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो वाटर को रिटेन कर रहे होते हैं। वन इज लेवल ऑफ एडीएच, सेकेंड वन इज एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन सोडियम को साथ में रिटेन कर रहा होता है, वाटर की भी रिटेंशन करवा रहा होता है, लेकिन जो एडीएच है वो सिर्फ वाटर की रिटेंशन करवा रहा होता है। अब ये वाटर की रिटेंशन करवाता कैसे है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एक्वापोरन्स बड़े होते हैं, अच्छा जो एक्वापोरन्स बड़े होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। जैसे एक्वापोरन्स ब्लॉक होंगे, तो उन कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो था वो रिटेन होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली बेटा, अगर लीवर का प्रॉपर फंक्शन नहीं है, जिसमें एल्ब्यूमन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से भी एडीमा हो रहा होता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन की वजह से भी एडीमा हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, उससे पहले हमने यूरिन की कंपोजिशन कर लेते हैं। यूरिन की कंपोजिशन में जो वाटर होता है, ये बेटा 96% होता है, जिसके अंदर 2% यूरिया होता है, और बाकी जो रिमेनिंग 2% होता है उसके अंदर ये 98% हो गया, और रिमेनिंग जो 2% होता है उसमें क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है, पोटाशियम होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, फास्फेट होता है, ऑक्सलेट्स होते हैं, ये बाकी सारे जो रिमेनिंग 2% होते हैं वो बना रहे होते हैं। और मैं पहले भी आपको डेफोस पे बता रहा था कि जो यूरिन का कलर होता है, ये यूरो बिलिन की वजह से होता है। अब यूरो बिलिन क्या होती है कि ये यूरो बिलिन क्या होती है, ये बेटा बिलीरुबिन की जब कन्वर्शन हो रही होती है ना, तो उसके रिजल्ट में यूरोबिलिनोजन बनती है। लीवर से सिंथेसिस हो रही होती है, जब वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रही होती है, तो यूरोबिलिनोजन जो है ये किडनी से यूरिन की फॉर्म में सिक्रीट हो रही होती है, और जो स्टिरकोबिलिन है ये फीसिस की फॉर्म में सिक्रीट हो रही होती है। और जो यूरिन का कलर है, दैट इज क्लियर एंड अम्बर इन कलर होता है, लेकिन ये जो अम्बर इन कलर है ये ड्यू टू यूरोबिलिन की वजह से है। जो येलो कलर आ रहा होता है, ये यूरोबिलिन बिलिन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बेटा बात करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी डिफरेंट बुक में वेरी भी कर रही होती है। कुछ बुक कहती हैं कि ये 1020 से लेके 1030 तक होती है, और कुछ कहती हैं 110 से लेके 1010 से लेके 1020 1030 तक होती है। और जो इसकी पीएच हमने पहले भी आपको लोगों को बताई है कि 4.5 से लेके 8 होती है। एक नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फ्लूइड इंटेक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और सॉल्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आपने सॉल्ट कितना लिया है, या सोल्यूट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और पर डे जो सेक्रीशंस ऑफ यूरिन होती है, ये प्रोडक्शन ऑफ यूरिन होती है, ये भी बेटा वेरी कर रही होती है। अब एक बुक कहती है कि अराउंड अबाउट ये 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर पर 24 आवर प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर हम इसकी एवरेज निकालते हैं, तो वो 0.5 से लेके 1 ml पर केजी पर मिनट के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा होता है।
अगर उसमें देखा जाए तो ये 30 ml राउंड अबाउट पर आर प्रोड्यूस होता है। अगर 30 को हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राउंड अबाउट बनेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 30 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 720 ml पर 24 आवर बनता है। इसलिए बुक जो कहती है ये 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया है, इंस्टेड ऑफ दैट हमने इसकी पीएच के बारे में डिस्कस किया है, नॉर्मल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने इसका जो कलर होता है वो यूरोबिलिन की वजह से होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये था कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंपोजिशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये कहा है कि इसके अंदर 98% वाटर होता है और बाकी जो 2% होता है उसमें यूरिया होता है, रिमेनिंग जो 2% हैं उसमें पोटाशियम होता है, सोडियम होता है, क्रिएटिनिन होता है, अमोनिया होता है, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये एक कंपोजिशन ऑफ यूरिन में अगर हम डायग्राम के ऊपर देखते हैं तो ये एक डायग्राम आपको एक और व्यू दे रही होगी। इसमें जो यूरिन का कलर होता है वो GFR के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब ये जो GFR थी ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो कि 125 ml पर मिनट होता है या 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, तो अगर हम ये एक PPT के ऊपर भी डायग्राम देख लेंगे जिसमें यूरिक एसिड कितना होता है, बाइकार्ब्स कितने होते हैं, जो एवरेज यूरिन वॉल्यूम है पर डे फॉर एडल्ट के लिए वो 1.4 लीटर भी लिखा हुआ है बुक के अंदर, 1.4 लीटर, जो कि 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर भी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है GFR के ऊपर। ओके, इसके अलावा उधर से कहता है मिस्टर किस तरह उधर से तुम ये देख रहा है और बेटा वाटर जो होता है ये 96% होता है, वाटर 96% होता है, 2% यूरिया होता है और बाकी जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो 2% होते हैं, तो ये टोटल 100% बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो एक वाटर बैलेंस और यूरिन आउटपुट, ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर हम वाटर इनटेक नहीं भी ले रहे होते तो वो फूड जो हम ले रहे होते हैं या डाइट ले रहे होते हैं उसमें भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म होने के रिजल्ट में वाटर की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब ये जो वाटर की प्रोडक्शन होती है ये मेनली सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है और जो वाटर एक्सक्रीट होता है ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। पहली चीज़ है कि यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, दूसरी कंडीशन ये है कि इनसेंसिबल वाटर लॉसेस की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा होता है जिसमें स्किन से एलिमिनेट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और तीसरी जो चीज़ है फीसेस की फॉर्म में भी एलिमिनेट हो रहा होता है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो वाटर है उसकी एलिमिनेशन हो रही होती है, और ये जो एलिमिनेशन और प्रोडक्शन है ये बेटर मेनली रिमेन्स कॉन्स्टेंट है। जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो एलिमिनेशन है ये अगेन 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 डिपेंड कर रही होती है स्वेट ग्लैंड के ऊपर, लेवल ऑफ ADH के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और बॉडी टेम्परेचर के ऊपर। अब बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है, लाइक ऐसी कंडीशन जिसमें इन्वायरमेंट जो है वो कूल है तो डेफिनेटली बॉडी टेम्परेचर कम होगा पेशेंट्स को या किसी भी लोग को, ह्यूमन बीइंग को, जो इनसेंसिबल वाटर लॉस है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा हॉट है, कूल नहीं है या पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो उसमें जो बॉडी का टेम्परेचर है डेफिनेटली वो इंक्रीज हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो वो इनसेंसिबल वाटर लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। जब एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो वो क्या करता है कि ADH को ट्रिगर कर रहा होता है,
एडीएच रिलीज होएगा। अब बॉडी के अंदर ये सेल के अंदर जो वाटर पड़ा होता है, ये यूरिन की फॉर्म में इलिमिनेट होना होता है, वो इलिमिनेट नहीं होता। और जैसे इलिमिनेट नहीं होएगा तो वो अगेन ब्लड का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा, और मेनली ये काम किडनी परफॉर्म कर रही होती हैं। अगर किडनी से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, पीसीटी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इलिमिनेशन होती रहती है, तो अल्टीमेटली जो वाटर का कंटेंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और उस कंडीशन में पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर भी जा सकता है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में भी जा सकता है। तो इसलिए वी कैन से कि जो लेवल ऑफ वाटर बैलेंस होता है मेनली डिपेंड्स ऑन द, और या जो वी कैन से कि जो आउटपुट है वो डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल ऑफ द किडनी। किडनी अगर कंट्रोल अच्छा कर रहा है, जिसमें उसके हार्मोन्स हैं लाइक एडीएच है, एएनपी है, एल लेवल ऑफ एल्ड्रोस्टेरोन है, ये नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट है वो नहीं होएगा, और एक नॉर्मल लिमिट्स के अंदर जो वाटर की प्रोडक्शन है और जो वाटर की आउटपुट है या जो एक्सक्रीशन है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मिनिमम अमाउंट होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को इलिमिनेट करने के लिए, वो एक दिन में हमें 500 ml यूरिन आउटपुट चाहिए होती है। और ये जो यूरिन आउटपुट है, ये अगेन और अगेन एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि यूरिन आउटपुट जो है, ये जो यूरिनरी वॉल्यूम है, ये एडीएच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर एडीएच, एडीएच को बेसिकली ट्रिगर कौन कर रहा होता है? यस बेटा, एग्जैक्टली 500 ml है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को इलिमिनेट करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, मिनिमम 500 ml है। और जो नॉर्मल अमाउंट में यूरिन प्रोडक्शन पर डे हो रही होती है वो 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर पर डे होती है, और डिपेंड कर रहा होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, डिपेंड कर रहा होता है एडीएच के ऊपर, डिपेंड कर रहा होता है डाइट के ऊपर, डिपेंड कर रहा होता है वाटर इनटेक के ऊपर। अगर वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली जो एडीएच की सेक्रेशन है डेट विल बी रिड्यूस्ड। अगर एडीएच की कंडीशन सेक्रेशन रिड्यूस होगी, द कंडीशन इज नोन एज पोलीयूरिया, कि एक्सेसिव या लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज डायबिटीज इन स्पाइडस, और वो जो डायबिटीज इन स्पाइडस होती है उसके अंदर क्या होता है कि पोलीयूरिया की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है। वो पोलीयूरिया की बेटा कंडीशन इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो एडीएच होता है वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो रहा होता। अगर सिक्रीशन होती भी है ना, तो उसका जो टारगेट एरिया होता है लाइक कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हैं या पीसीटी है, उसके ऊपर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता। अगर एक्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में भी पोलीयूरिया होता रहेगा। ठीक है, ओके, मिनिमम यूरिन डेफिनेटली। बेटा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से बेटा ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को ऑस्मो रिसेप्टर बताते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच को रिलीज करवाता है, और सॉरी हाइपोथैलेमस ट्रिगर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये एडीएच ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर पड़ा होता है, वहां से ये रिलीज होने के बाद किडनी के ऊपर एक्ट करता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि बेटा ऑस्मोटिक आप प्रेशर कह सकते हैं, या आप सीरम ऑस्मोलैरिटी कह सकते हैं, ये दोनों वर्ड ठीक हैं। ऑस्मोलैरिटी कहेंगे बेटा सब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, क्या
क्वेश्चन ये था, आपने ये पूछा है कि अगर एडीएच का की सेक्रेशन लो होगी तो वाटर की जनरेशन भी तो लो होगी। नो बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ना वो बॉडी के अंदर रुकता नहीं है। मेटाबॉलिक प्रोसेस 24 आवर्स वर्किंग में होता है। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस होता रहेगा, मेटाबॉलिज्म होती रहेगी, तो उसके रिजल्ट में वाटर की जनरेशन होती रहती है। अगर वाटर की जनरेशन होती रहेगी तो उसको इलिमिनेट भी करवाना होता है। अगर आप ये कहते हैं कि एडीएच की सेक्रेशन लो होगी तो वाटर की जनरेशन भी लो होगी, तो डेफिनेटली नो। वाटर की जो जनरेशन है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, और उसको मेटाबॉलिक वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर भी कहा जाता है। अगर एडीएच की बात करते हैं, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसके रिजल्ट में उसमें रिजल्ट में ये होता है कि जो ब्लड होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाता है। जैसे ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड होएगा तो एडीएच प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। अब एडीएच क्या करता है, वाटर को डीसीटी और सीडी से रीअब्जॉर्ब करवा देता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देता है। जैसे रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और एट द एंड जो एडीएच है उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और एक ऐसी कंडीशन जिसमें मैं आपको पहले भी बता रहा था कि डायबिटीज इंसिपाइडस है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्ट हमने मैक्सिमा डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम या रीनल थ्रेशोल्ड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जब किडनी की जब कैपेसिटी से ग्लूकोज का लेवल एक्सीड कर गया था, जब कि हमने मोर देन 200 mg/dL कहा था, जब इंक्रीज कर जाता है तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्ट्रेट में पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। जब फिल्ट्रेट में पास आउट होते हैं और पेशेंट्स को डायबिटीज इंसिपाइडस होती है, जिसके अंदर डायबिटीज इंसिपाइडस के अंदर जो एडीएच की प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो कंडीशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी, दैट इज नोन एज पोलीयूरिया। और ये जो पोलीयूरिया होती है उस कंडीशन में पेशेंट्स को हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ लेके जाता है। दूसरी कंडीशन बेटा इसके अंदर होती है, होती है कि जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं एट्रिया के अंदर वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनको फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ता है। जैसे फोर्सफुली उनको इजेक्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो उस ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करवाने के लिए ANP रिलीज होता है फ्राम द कार्डियोमायोसाइट्स, या आप ये कह सकते हैं कि कार्डियक मसल्स सेल्स रिलीज ANP। ओके, ये कार्डिक मसल सेल से ANP रिलीज होता है, जैसे ये ANP रिलीज होता है तो ये सोडियम और वाटर को PCT और CD से इलिमिनेट करवा देता है। ये आपके ये के भी कह सकते हैं कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करवा देता है, आप ये भी कह सकते हैं कि इलिमिनेशन बढ़ा देता है, बात एक ही होती है। तो उसके रिजल्ट में सोडियम और वाटर इन जो सोडियम और वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एक्सक्रीशन इंक्रीज होगी तो उसके रिजल्ट में जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है या जो सर्कुलेटरी फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सर्कुलेटरी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होने के रिजल्ट में वो फ्लूइड जो कि वेनस रिटर्न की फॉर्म में वापस जा रहा था, वेनस रिटर्न की फॉर्म में हार्ट के अंदर जा रहा था, ये एट्रिया के अंदर जा रहा था, वो कम जाएगा। जब कम जाएगा तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं एट्रिया के अंदर वो कम स्ट्रेच होंगे, जब कम स्ट्रेच होंगे तो अल्टीमेटली दैट विल बी इनहिबिटेड। मायोकार्डियल सेल बेटा कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं, मायोकार्डियल सेल कह सकते हैं लेकिन कार्डियोमायोसाइट इज बेस्ट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा आज जो चीज़ें और हमने डिस्कस करनी है उसमें और ANP क्या क्या कर सकता है, जिसमें हमने कैल्शियम के लेवल को डिस्कस करना है, pH के बैलेंस को डिस्कस करना है और सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस को डिस्कस करना है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस दिन हमने एल्डोस्टेरोन को डिस्कस किया था या रॉस सिस्टम को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी, वन वाज वाटर, अदर वाज सोडियम एंड थर्ड वन वाज पोटाशियम। अब जो सोडियम और वाटर हमने ये कहा था कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इसको रीअब्जॉर्ब करवाता है, और
पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह सकते हैं कि जब सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस की बात आएगी तो जो रॉस सिस्टम होता है या लेवल ऑफ एल्डोस्टोन होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है। अब लेवल ऑफ एल्डोस्टोन कैसे करता है कि जब एक्सेस अमाउंट में वाटर होगा या एक्सेस अमाउंट में सोडियम होएगा या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसके रिजल्ट में ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये एक्टिवेट होएगा तो ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा। सॉरी, जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा, ब्लड प्रेशर कम होएगा, ये सोडियम का लेवल कम होगा या पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होएगा, तो इसने सोडियम के लेवल को और पोटाशियम के लेवल को भी मेंटेन करना होता है। अगर किसी वजह से सोडियम का इनटेक ज़्यादा हो गई है या सोडियम की एलिमिनेशन नहीं हो रही, जब सोडियम की एलिमिनेशन नहीं होगी तो अगेन जो रॉस सिस्टम है दैट विल बी एक्टिवेटेड। जैसे ही रॉस सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो ये क्या करेगा कि ये सोडियम और वाटर को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से या कलेक्टिंग डक्ट और PCT से रीअब्जॉर्व करवाना शुरू कर देगा। तो वी कैन से कि मेनली जो सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस है दैट इज मेंटेन्ड बाय रॉस सिस्टम या एल्डोस्टोन एंड एज वेल एज ANP। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ANP है ये क्या करता है, ANP सोडियम और वाटर को एलिमिनेट करवा देता है। जब सोडियम और वाटर की एलिमिनेशन होएगी तो डेफिनेटली क्या होगा, सोडियम और वाटर एलिमिनेट होएगा तो इनका लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सोडियम है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक्स्ट्रासेलुलर होता है, और जो पोटाशियम होता है ये इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर कैटायन होता है और पोटाशियम जो होता है ये इंट्रासेलुलर कैटायन होता है। और ये जनरेट कहाँ से हो रहे होते हैं, वो फूड जो आप ले रहे होते हैं डाइट की फॉर्म में, डाइट में ले रहे होते हैं, इसके अलावा इसकी जनरेशन भी हो रही होती है। जो सोडियम और पोटाशियम है ये डाइजेस्टिव जूसेस से भी सेक्रेट हो रहे होते हैं, जिनमें सोडियम गैस्ट्रिक जूस से आ रहा होता है और जो पोटाशियम होता है ये पेंक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूस से आ रहा होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये MCQs में भी पूछा जाएगा कि सोडियम और जो पोटाशियम है ये कहाँ से जनरेट होते हैं। तो यू कैन से कि दैट इज़ जनरेटेड या दैट इज़ सेक्रेटेड इन द डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर जो सोडियम और जो सोडियम है दैट इज़ सेक्रेटेड इन द गैस्ट्रिक जूस एंड द पोटाशियम इज सेक्रेटेड इन द पेंक्रियाटिक एज वेल एज इंटेस्टिनल जूसेस। और ये अब्जॉर्व कहाँ से होते हैं, ये कोलोन से अब्जॉर्व हो रहे होते हैं। कोलोन से अब्जॉर्व होने के बाद बेटा ये अगेन ब्लड का हिस्सा बनते हैं। जैसे ब्लड का हिस्सा बनते हैं तो वो ब्लड किडनी से पास आउट होता है। अब जैसे ही वो ब्लड किडनी से पास आउट होएगा तो वहाँ पे किडनी जो है ये सोडियम और आप एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है। अब जैसे ही ये ब्लड, चाहे वो आप डाइटरी इनटेक में सोडियम पोटाशियम ले रहे हैं या डाइजेस्टिव जूसेस से आ रहा होता है, तो जैसे ये ब्लड का हिस्सा बनता है तो दैट ब्लड व्हेन द पासिस फ्रॉम द किडनी तो सोडियम और वाटर वहाँ से एलिमिनेट भी हो रहे होते हैं, रीअब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टोन एंड एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ ANP। ओके, ये सोडियम और वाटर, सोडियम और जो पोटाशियम है इनको इस तरह बैलेंस किया जा रहा होता है। तीसरी कंडीशन जो होती है pH की बैलेंस को मेंटेन करना। आप ये भी कह सकते हैं कि किडनी का काम है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, या ये भी कह सकते हैं कि जो pH है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। अब जो ब्लड की pH है वो बेटा 7.35 से लेके 7.45 है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये 7.44 प्लस माइनस 5 है, तो इस pH को नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है। अब ये जो नॉर्मलाइज pH होती है ये कैसे होती है, ये इम्पॉर्टेंटली बफर सिस्टम्स होते हैं। बफर सिस्टम में प्रोटीन बफर सिस्टम भी आता है और किडनी भी आ रहा होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बफर सिस्टम के तौर पे काम कर रही होती है। अब किडनी कैसे करती है, किडनी कैसे pH को मेंटेन कर रही होती है, किडनी सेक्रीट कर रही होती है हाइड्रोजन आयन को। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये सिक्रीट कहाँ से हो रहे होते हैं बेटा, ये फिल्ट्रेट के अंदर आ रहे होते हैं फ्रॉम द PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सिक्रीट आउट होते हैं। और जैसे ये सिक्रीट आउट होते हैं तो इन्होंने बाइकार्बोनेट के साथ मिलना होता है और कार्बोनिक एसिड बना देते हैं।
बाइकार्ब्स के साथ मिलने के बाद ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, उसके बाद ये अमोनिया के साथ मिलते हैं, अमोनियम आयन बना देते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन फास्फेट के साथ मिलके, जितने भी हाइड्रोजन चाहे फास्फेट बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। अब जैसे ये कार्बोनिक एसिड बनेगा तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको सप्लिट कर देता है, जैसे ये इसकी सप्लीशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर सप्लिट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है ताकि ब्लड की जो बफरिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, और जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये मिनिमम अमाउंट के अंदर यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट किए जा रहे होते हैं ताकि जो यूरिन की पीएच है उसको मेंटेन किया जा सके। और यूरिन की पीएच जो एवरेज ले रहे होते हैं बेटा वो 6 ले रहे होते हैं, और जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो 4.5 से लेके 8 है। ओके तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स किडनी है इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा अब आज हम जो डिस्कस करने वाले थे दैट वाज अबाउट द यूरेटर, लेकिन यूरेटर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो रॉस सिस्टम है। अगेन हम एक शॉर्ट सा रिव्यू रॉस सिस्टम के ऊपर ले लेते हैं। रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, बेटा ब्लड पीएच के फैक्टर क्या मतलब है, फैक्टर्स का ब्लड की जो नॉर्मल रेंज पीएच की रेंज है वो 7.35 से लेके 7.45 है, या 7.4 ± 5 होता है। अब इसको पीएच को कम या ज़्यादा करने के फैक्टर आप पूछ रही हैं, ओके बेटा अगेन पूछ लें बेटा। अच्छा पीएच रेगुलेट कैसे होती है, बेटा ये प्रोटीन बफर सिस्टम मेंटेन कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कर रही होती है, या आप ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करवा रहा होता है और किडनी मेंटेन करवा रही होती है, ये तीन तरीके से ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन की जा रही होती है। ओके बेटा कम या ज़्यादा करने के फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लाइक अगर किडनी के अंदर हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन नहीं होती, सपोज पहली चीज़ है हाइड्रोजन आयन की सेक्रीशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की इलिमिनेशन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन होती रहती है लेकिन इलिमिनेशन नहीं होती, अगेन इफेक्ट पड़ेगा। प्रोटीन्स की बफरिंग अगर प्रॉपर नहीं हो रही तो अगेन इफेक्ट पड़ेगा। अमोनिया की जनरेशन अगर नहीं हो रही है, ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो अगेन पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन फास्फेट की जनरेशन नहीं हो रही तो अगेन पीएच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके अलावा हज़ारों फैक्टर्स हैं बेटा जो कि पीएच को अल्टर कर रहे होते हैं, लाइक बायकार्ब्स का लेवल है, इसके अलावा हाइड्रोजन आयन का लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड की पीएच को अल्टर कर रहे होते हैं। इवन कि जो आप डाइट ले रही होती है ना, डाइट सिंपल जो आप डाइट ले रही होती है वो भी पीएच को अल्टर कर रही होती है, लेकिन पीएच को मेंटेन करवाने के लिए बफर सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो उसको अल्टर नहीं होने देता और एक नॉर्मल रेंज के अंदर इसको मेंटेन करा रहा होता है। और इसी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रही होती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो रही होती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस भी हो रही होती है, और इन सर्टेन कंडीशन के मिक्सड एसिडोसिस एल्कलोसिस होना शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके अलहदा मेंटेन कर रहा होता है, किडनी मेंटेन कर रहा होता है, प्रोटीन्स मेंटेन कर रही होती हैं, अगर ये अल्टर्ड हो जाएंगी तो डेफिनेटली ये पीएच को अल्टर करने की कोशिश कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो जो अभी आपको समझ ना आई हो पीएच के रिलेटेड? अच्छा कैल्शियम का लेवल हमने नहीं डिस्कस किया, कैल्शियम का लेवल शुरू में भी किसी ने बता दिया था कि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन की सेक्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, जब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में यूरेटर को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं,
तो एंडोक्राइन में भी कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन का अगेन हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये हम अगेन डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरोन अगेन हमने डिस्कस करना है, कॉर्टिसोल्स को अगेन हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम अगेन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा इजीली ये रीनल सिस्टम की समझ आ जाएगी। इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। अब जो पोटाशियम और सोडियम की बेटा इलिमिनेशन होती है, सोडियम एक बुक में पढ़ रहा था कि जो पोटाशियम है ये 90% इलिमिनेट हो जाती है। जब हम एक्शन पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो पोटाशियम होती है ये क्या करती है, ये अरिथमियाज काज करवाती है, कार्डियक अरेस्ट काज करवाती है। ओके बेटा ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो पोटाशियम होती है ना, ये 90% बॉडी से इलिमिनेट हो जाती है। अगर इलिमिनेट नहीं होगी तो ये कार्डियक अरिथमियाज और कार्डियक अरेस्ट काज करवा रही होती है। बेटा कौन से हार्मोन्स बेटा GIT भी हम शो रिपीट कर लेंगे, साथ में ये यूरेटर भी कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो 2R का है। 1R में हम ये यूरिनरी सिस्टम कर लेंगे और 1R के अंदर हम GIT हम दो लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। आप क्वेश्चन पूछते जाइएगा जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, अभी लिख लीजिएगा ताकि आप सेम डे पे मेरे से वो क्वेश्चन पूछ और मैं आपको आंसर कर दिया करूँगा। बेटा कौन से जो दो हार्मोन है ये एंटागोनिस्ट काम करते हैं, अच्छा पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। बेटा जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और साथ में कैल्सीटोनिन आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। अब ये दोनों कैल्शियम और फास्फेट की DCT से रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। ADH और ANP नो, ADH नहीं है बेटा, ANP और एल्डोस्टेरोन है, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट करते हैं। ओके श्योर बेटा, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा और मैं आपको आंसर कर दिया करूँगा। तो बेटा ADH की हमने बात नहीं की, हमने एल्डोस्टेरोन और ANP की बात की है कि एल्डोस्टेरोन और ANP एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और जो पैराथायराइड हार्मोन है दैट इज सिक्रीटेड बाय या सिक्रीटेड फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, उसके साथ कैल्सीटोनिन सिक्रीट हो रहा होता है, और कैल्सीटोनिन और ये पैराथायराइड हार्मोन दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट को DCT से अब्सॉर्ब करवाते हैं। और जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है और कैल्सीटोनिन जो है ये डिक्रीज करवाता है, ठीक है। तो पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन डेफिनेटली एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, इसी तरह ANP और एल्डोस्टेरोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट करते हैं। बेटा वाइवा किस बेस पे होगा, आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे, जितने आप आंसर करेंगे उतने आपको मार्क मिलेंगे। हमारे पास 2 से 2 to 3 hours वाइवा के लिए होंगे, उसमें आप लोगों से जनरली क्वेश्चन लाइक जो मैंने MCQs दिए हैं उसके रिलेटेड भी पूछ सकता हूँ, जो SCQs होंगे उसके रिलेटेड भी पूछ सकता हूँ। बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर मिड टर्म। बाद में ये ना कहिएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं था और ये MCQs में आ गया। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। ओके इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में हम ये इंशाल्लाह ये हार्मोन्स अगेन डिस्कस करेंगे, आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगी, और इनका जो फीडबैक मैकेनिज्म है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कैसे कंट्रोल होते हैं, या जो ऑक्सीटोसन है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कैसे कंट्रोल होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैक्सिमम बेटा कितने क्वेश्चन पूछूंगा ये डिपेंड करता है, 4 to 5 मैक्सिमम क्वेश्चन, 5 होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, उसमें से आप जितने आंसर करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो मार्क्स विल बी कट ऑफ। क्लास हो रही है, मैं खत्म हो गई।
बेटा एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड ऐसे होगा, सपोज मैं आपको कहता हूँ कि एक पेशेंट आपके पास आता है, आपके क्लिनिक के ऊपर बैठी हुई है, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर उसका कम था, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं? अब नीचे उसमें ऑप्शन दिए होंगे, लाइक एल्डोस्टोन करवा रहा है काम, ADH का लेवल कम करवा रहा है, हाइपोवलीमिया है, नोजिया वोमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, तो इस तरह एमसीक्यूज के अंदर नीचे आंसर भी दिया होगा। उसमें आपने एक आइडेंटिफाई करना होगा कि ब्लड प्रेशर को कौन सा फैक्टर है जो रिड्यूस करवा रहा है, ठीक है? इस तरह बेटा ये सिनेरियो बेस्ड आएंगे। इसके अलावा और कोई क्वेरी? इसके अलावा और कोई क्वेरी जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो? ओके, बाकी इंशाल्लाह हम थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह हम GIT रिपीट करने वाले हैं और ये यूरेटर्स कंप्लीट कर लेंगे किडनी में। बेटा ये आप जब अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है? ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन थर्सडे एट 11 AM। बाय बाय।